नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में सबसे पहला ग्रामर का जो टेक्स्ट का नाम है संधि विच्छेद, उसको हम विग्रह भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने संधि के प्रकार बताए, संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें सबसे पहला जो स्वर संधि है उसका हम पठन करेंगे। इसका नियम क्या है स्वर संधि में, दो स्वर, स्वर का पता है कि स्वर पर कौन कौन से आते हैं, तो दो स्वर पास पास आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये इसलिए व्याख्या है। सबसे पहले जो संधि के नाम लिखेंगे जो नियम आते हैं वो हम पढ़ेंगे, संधि के नियम। उसके बाद संधि से पहले संधि शाखा, वो बाद में संधि होने के बाद सब में क्या क्या जो निर्भर होते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहला शब्द है जो नियम है वो क्या है, अ। कोई भी शब्द है वो शब्द बोलने के बाद उसके पीछे जो अ बोलेंगे, अ प्लस अ, यानी कि नियम क्या है कि आ शब्द आएगा। तो यहाँ पहला शब्द है अधिक, लिखा है अ लेकिन उच्चारण की भाषा में कौन सा शब्द आएगा, अ। और प्लस के बाद पहला शब्द कौन सा है, अ। अ प्लस अ यहाँ बताते हैं अ प्लस अ बराबर आ, ये जो शब्द है वो शब्द के पहले है। और शब्द क्या बनेगा कि प्लस के पहले ऊपर प्लस के पहले अ है और प्लस के बाद भी अ है, तो प्लस के बाद जो अ है वो निकल जाएगा, तो कौन सा बनेगा, अधिकाधिक। प्लस के बाद जो स्वर का शब्द आता है वो निकल जाता है, नियम के अनुसार अ का क्या हो जाएगा, आ। यहाँ देख सकते हैं कि अधिकाधिक ऐसा शब्द बनता है। और बात दूसरा नंबर अ प्लस आ, संधि से पहले अ आता है और प्लस के बाद जो आ आता है तो शब्द क्या बनता है, आ। यहाँ देख सकते हैं परम प्लस आत्मा, प्लस के बाद जो आ लिखा है वो निकल जाएगा, नियम के मुताबिक क्या हो जाएगा, आ। और निकल जाने के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, बा, पर बात्मा। तो मा बोलते हैं तो आ का उच्चारण हो जाता है। उसी तरह उस कारण आ प्लस आ, संधि के पहले आ आता है प्लस के पहले और प्लस के बाद भी आ, आ प्लस आ क्या होता है, आ। यहाँ शब्द क्या बनता है, रेखा प्लस आकृति, तो शब्द कौन सा बन जाएगा, रेखा आकृति। प्लस के बाद का जो शब्द है वो निकल जाता है। चौथा नियम ई प्लस ई, कवि, यहाँ पर ई आता है और प्लस के बाद ई ई आता है, तो ई पहले आता है प्लस के पहले और प्लस के बाद ई आता है तो क्या बनेगा, ई। यहाँ देखिए मात्रा इस तरफ थी, वो मात्रा इस तरफ चली जाएगी क्योंकि पहले भी ई था प्लस के पहले और प्लस के बाद भी ई है, तो शब्द कौन सा बनेगा, पवित्र। प्लस के बाद का जो स्वर्गीय शब्द है ई वो निकल जाएगा। उसके बाद ई प्लस ई, दोनों जो ई है वो हमारे राइटिंग को लिखते हैं, ई प्लस ई बराबर ई होता है। शब्द कौन सा है, नदी प्लस ई, शब्द कौन सा बनेगा, नदी। प्लस के बाद का जो ई था वो निकल गया, बाकी जो शब्द है वो इसे लग जाएंगे। इसके बाद टू प्लस टू, हाँ तो यानी कि होता है प्लस के बाद टू, टू प्लस टू बराबर क्या होता है, टू, यानी कि उसकी मात्रा हमारा जो राइट हैंड है उसकी तरफ बन जाएगी, भानु प्लस टू है, शब्द कौन सा बनेगा, भानु दय। उसके बाद ओ प्लस ई, देव आएगा, प्लस के बाद क्या हो गया, ई। ओ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। प्लस के बाद जो ई है वो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ई निकलने के कारण वो जो शब्द है उस पर एक मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा देविच्छा। इस तरह आठवां नियम है अ प्लस ई बराबर के बनेगा, शब्द कौन सा है, सूत्र, यानी कि अ आ गया प्लस के बाद क्या है, ई। अ प्लस ई बराबर ये शब्द बनता है, शब्द कौन सा बनेगा, सूत्र प्लस ई बराबर सूत्रेश। ई जो है वो निकल जाएगा तो प्लस के पहले का जो शब्द होता है उसके ऊपर एक मात्रा लग जाती है। नौवां नियम आ प्लस ई बराबर ए बनेगा, ये था यानी यहाँ आ गया, इसके बाद ई, इष्ट का ई, आ पहले है और प्लस के बाद ई है, यथा प्लस इष्ट बराबर शब्द कौन सा बनेगा, यथेष्ट, क्योंकि प्लस के बाद जो ई शब्द आता है उसे निकालने के कारण प्लस के पहले का जो शब्द होता है उस पर एक मात्रा हो जाती है। दसवां नियम अ प्लस टू बराबर
चंद्र यानी कि अगोचर हो गया, इसके बाद कु उदयकाल कु और पहले आता है प्रश्न और प्रश्न के बाद कु आता है क्या होता है ओ यहां पे इसमें चंद्र प्लस उदय मतलब कौन सा बनेगा चंद्रोदय क्योंकि ओ का उच्चारण यहां पर आता है क्या बनियो आ प्लस कु आ यानी कि पूजा और कु यानी कि उत्सव तो क्या बनेगा ओ मतलब कौन सा बन जाता है जो सव क्योंकि यहां पर कु है निकलने के कारण जो शब्द है उस पर ओ की मात्रा लगी है यानी कि ओ की मात्रा किस पर लगी थी जो ज शब्द है उस पर ओ की मात्रा लगी थी तो शब्द कौन सा बन जाएगा पूजोत्सव पारवणियम अ प्लस रु उसी वाला रु यानी कि अ शब्द बनता है यहां पर ब्रह्म तो अ का उच्चारण होता है उसके बाद उसके पहले शब्द रु उसी का रु बराबर अ होता है तो शब्द कौन सा बनेगा ब्रह्मर्षि ये जो ऋषि का रूप है वो निकल जाएगा तो उसके बाद जो शब्द है शिका उस पर रेट लग जाता है ये मान्यम अ प्लस ए बराबर ए पर ए ऐसे मात्रा लगती है यहाँ पर शब्द है ए क तो अ हो गया उसके बाद ए क ये हो गया तो शब्द बनेगा अ ए क क्योंकि ए अ प्लस ए बराबर ए बनता है यहाँ पर भी प्लस के बाद जो ए है वो निकल जाता है तो उस पर दो मात्रा लग जाती है एक का उच्चारण होता है शब्द बनता है अब एक चौथा नियम है आ प्लस ओ आगे से महा प्लस ओ यानी कि औषधि प्लस के पहले आ है प्लस के बाद ओ है तो नियम का भी क्या होता है ओ शब्द बनेगा महौषधि प्लस के बाद का जो शब्द है वो निकल जाता है तो ह का जो शब्द है उस पर दोनों मात्राएं लग जाती है महाकाव्य हो जाएगा बहौषधि अंदर मानिया ई प्लस अ बराबर य होता है अधि यानी हो गया इसके बाद अ अयन का अ पहले होता है और प्लस के बाद जो अ आता है तो कौन सा हो जाएगा य यहां पर अ निकालते हैं तो अधि का क्या हो जाएगा अध्य न य तो वहां पीछे लग रही है धि का क्या हो गया य पूरा शब्द अध्ययन से बनता है सोलवा नियम ई प्लस आ ई है वो मात्रा वाला है यानी कि उसकी मात्रा हमारे राइटिंग को हो जाती है ई और प्लस के बाद क्या होता है आ ए ई प्लस आगमन आ ई जो शब्द है वो पहले आता है आ उसके बाद आता है तो शब्द बनता है या ए ई प्लस आगमन तो उसका क्या हो जाएगा आ शब्द है वो निकल जाएगा इसके मुताबिक देवी सूत्र क्या हो जाएगा देविया गम उसके बाद सत्रवा नियम ऊ शब्द पहले आता है उसके बाद को तो कैसे सु बोलते हैं सु तो उच्चार क्या होगा उ और प्लस के बाद क्या है अ यानी कि अस्त्र उ पहले आता है अ बाद में आता है तो कौन सा शब्द बनता है व और कौन सा शब्द यहाँ लिखना है मैंने स्वस्थ क्योंकि जो सु शब्द लिखा है उसके पीछे उ मात्रा लगती है तो हमने शब्द ले लिया है व प्लस अस्त उसका शब्द बन जाएगा स्वस्थ सबसे लास्ट नियम एक वाला ई प्लस ए बराबर ए पर एक मात्रा लगेगी उसको पढ़ेंगे ये शब्द है प्रति ई लिखते हैं लेकिन उच्चर क्या होगा ई और प्लस के बाद क्या है ए ई पहले है और ए बाद में है तो कौन सा शब्द बनेगा ये तो ये प्रति जो शब्द है तो ई का क्या हो जाएगा और नियम के मुताबिक ये के ऊपर एक मात्रा लगती है तो यहाँ पर भी हमें एक मात्रा लग रही है तो शब्द बनेगा प्रत्येक तो बच्चे इस तरह नियम के मुताबिक हम कोई भी शब्द करेंगे तो हमको संधि का विच्छेद यानी संधि विग्रह आ जाएगा।